अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। अरे साथी ये क्या किया, आपने मेरा गाल झूठा कर दिया। अरे ये गहने इसी दुकान से लिए गए थे, नकली है सारे नकली। ये कैसे हो सकता है, ये खुद ही देख लो। आप समझते क्यों नहीं, अरे वो लोग पैसे देकर पुलिस को अपने साथ ले लेंगे। पुलिस का चरित्र नहीं जानते क्या आप? तो क्या आप गुंडागर्दी करेंगे? गुंडागर्दी मैं कर रहा हूँ या वो लोग कर रहे हैं? अब देखना हम छह लाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छह, अरे सीधे चढ़ गए हम। खीर कैसी है? बहुत अच्छी दीदी, बहुत मीठी। अच्छा इतनी बढ़िया, देखो तो। वो मेरे खीर है, मैं नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी, मैंने भी अपनी खीर चंदा को दी ना। क्यों दिया, नहीं देना था ना। कैसे नहीं देती, बेचारे को कितनी भूख लगी है। और मैं तो सिर्फ तुम में से एक ही चम्मच खाऊंगी, पूरी थोड़ी ना खाऊंगी। नहीं मीनू, ये बहुत गंदी बात है, बेचारी कितनी भूखी है और भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए, अच्छी बात होती है। फिर लो चटनी खा। हाँ। अच्छी है। अरे इसके तो कपड़े भी पुराने, इसको तो नए कपड़े चाहिएंगे। मेरे कपड़े तो नहीं आएंगे। एक काम करो, तुम जाओ अपने कपड़े लेके आओ। चंदा अब तो रोज रोज आएगी। हाँ हाँ सच्ची? अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा। अभी मैं और मीनू खेलते हैं, फिर तुम आ जाओगी, फिर ना हम तीनों लूडो और गुड़ा गुड़ी के साथ खेलेंगे। खेलेंगे ना? हाँ खेलेंगे। ठीक है अब है ना, मुझे सिर्फ दो चाहिए फिर मैं जीत जाऊंगी। एक दो। ये लो चाची मेरे कपड़े, दे दो चंदा को। अरे वाह चंदा, ये लो अब ये पुराने वाले कपड़े मत पहनना, नए वाले पहनना ठीक है? हाँ लो। हमारी माँ के पास भी कपड़े नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को ना हम अपनी साड़ी देंगे। हमारे पास ना इतनी सारी साड़ी है, पूरा बक्शा भर के है। हाँ हे राम, ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है? नौकर की बेटी को बिस्तर पे बिठाकर खीर खिला रही हो, वो भी हमारे बर्तन में। कल की दुश्मन? बहुत भूखी थी बेचारी। तुम्हें इतनी फिक्र थी उसकी भूख की तो हलवा पूरी बना लेती, अकल ही नहीं इसको। अरे रसोई में बासी रोटी रखी हुई है, वो खिला देती इसको। चल उठ यहां से, जा। और ये क्या, मीनू के कपड़े चोरी किए क्या इसने? नहीं नहीं दीदी, ये चुराए वाले नहीं है, मीनू ने खुद दिए थे उसे। हाँ मम्मी उसके कपड़े पुराने हैं ना इसलिए। चुप कर, ये लो तुम्हारे कपड़े और अपने कमरे में जाओ। हाँ हाँ लुटा दो पूरा घर इस पर। कल की अंधी बनने चली है। मीनू के पास तो इतने सारे कपड़े ना, अगर एक दो उसे दे देते तो क्या हो जाता? इतना ही दानवीर बनने का शौक है तो अपने पिता को फोन करके कपड़े मंगा लो, फिर जिसको कपड़े बांटने ना उसे बांटना, क्योंकि यहाँ पे खैरात नहीं बन रहा है। तुझे समझ में नहीं आता, मना किया था ना, पलंग पर नहीं बैठेगी तू, मुझे जीना नहीं देगी तू। चंदा कहाँ बैठी पलंग पे, कहाँ बैठी, मैंने मना किया था ना, तो एक बार मैंने सुनाई देता तुझे। काहे मार रही है उसको, उसे मैंने बुलाया। हम बुलाए थे, काहे बुलाई थी, इतना ही ममता उमड़ रहा था तो नौकर चाकर के बर्तन में नहीं दे सकती थी, घर का बर्तन में खाना देने की क्या जरूरत थी। ए सुमतिया चलो एक कटोरी उठाओ, धोके नौकर चाकर के बर्तन में डालो। पता नहीं कहां से धूल मट्टी के पांव आके चढ़ गई बिस्तर पे। चल यहां से।
क्या जरूरत थी बाबू जी हाकिम सिंह से कहने की कि जेवर के सारे पैसे लौटा देंगे? अब वो भी सुनार पैसे दे या ना दे, अरे पैसे क्या जमीन में गड़े हुए क्या, आप निकालेंगे और दे देंगे? मैं क्या करता, उन्होंने बात ही ऐसी कर दी कि कोई भी कुछ बोल देगा तो क्या आप उसके ऊपर अपनी पूरी जायदाद लुटा देंगे? पर बहू जेवर के पैसे तो उन्होंने ही दिए थे ना हमें। हाँ ठीक है, पैसे उन लोगों ने दिए थे लेकिन जेवर तो हम लोगों ने बनवाया है ना। सुनार ने अगर नकली जेवर दे दिए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सुनार पैसे देता है तो ठीक है, वरना इतना पैसा हम लोग देंगे कहाँ से? अब बहू देखो, दहेज में उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था, ऊपर से जेवर के लिए भी पैसे उन्होंने दिए थे, और अब अगर जेवर नकली निकले हैं तो उसमें उनका क्या कसूर? अरे गलती तो हमारी है ना, अब इस गलती को तो भुगतना ही पड़ेगा, पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा बहू। बाबूजी, आपने पुलिस केस की पैरवी के लिए फोन किया था ना, पैसों की बात कहां से आई? इसलिए कि अभी मेरी आंखों में शर्म बाकी है बेटा, मेरी आंखों से अभी शर्म का पर्दा उठा नहीं, और फिर वैसे भी इन्होंने दहेज में एक पैसा नहीं लिया, जो जेवर भी दिए उसके पैसे पानी हो गए। अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं क्या करता? अब उनके मन में भी तो ये आ सकता है कि मैंने जानबूझकर नकली जेवर दिए होंगे और पैसे अपनी जेब में रख लिए। पर भगवान जानता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे जी? करना क्या है, पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, सुनार को हमारे पैसे तो एक ना एक दिन लौटाने ही पड़ेंगे। अब कानूनी प्रतिक्रिया में देर लगती है पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसके पैसे नहीं लौटाएंगे। अरे अगर उनके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो नीचता होगी ना। लेकिन बाबूजी, हमारे पास इतने पैसे हैं कहां? बेटा, अब ऊपर वाले ने जहां इतना बड़ा काम निपटाया है वो इस मुसीबत से भी हमें छुटकारा तो दिलाएगा। चार दिन हुए नहीं और अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। मायके में तो नौकर चाकर होंगे नहीं, ये क्या जाने कि मालिक और नौकर में भेदभाव। चंदा की माई यहाँ जाइए, ये देखिए आपके लिए साड़ी, दो दो है, रोज है ना बदल बदल के पहनना। पीछे ना, ये क्या कर रही हो, पगला गई हो का, ये नई नई साड़ियाँ दे रही हो? अब हमारे पास जो रहेगा वही देंगे ना, देख नहीं रही हो बेचारी की साड़ी कितनी पुरानी है, और हमारे पास तो इतनी सारी साड़ी है, उसमें से अगर दो देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं दुल्हन, हमको साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। काई नहीं लोगी, हमारे घर का इतना सारा काम करती हो तो आपका तो हक बनता है ना। चंदा कह रही थी कि बाबू भी बीमार है, और फिर तुम बाजार कब जाओगी और कब खरीदोगी? लो ना हम तुम्हारे लिए लाए। पगला गई हो का तुलसी, इतना महंगा साड़ी लोकल चक्कर को देता है कोई? मैं किसी को अपनी नई साड़ी दूं या पुरानी, दूसरों को क्या? चंदा की माँ कटोरी लेकर आना, हम है ना तुम्हारे लिए खीर लेकर आते हैं। इसे कुछ नहीं देना, घर के लोग यहाँ घर पे नहीं और तुम लुटाने पर तुली हो। लेकिन अभी तो बहुत सारे खीरे रसोई में, अगर उनमें से कुछ दे दो तो क्या फर्क पड़ता है? तो भी इसे कुछ मत देना। पता है माँ कहती है कि रसोई में ना भेद नहीं करनी चाहिए, सबको खिलानी चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप की रसोई है ना, कि जहाँ तुम्हारी मन मर्जी चलेगी चुपचाप अपने कमरे में चल जाओ। मालकिन हमको खीर वीर नहीं खाना, रहने दीजिए। काहे नहीं खाना, तुमने रात को भी नहीं खाया था ना। रुको, मैं ना अपने साथी के हिस्से से तुम्हें खिला दूँ, ठीक है? तेरी ये मजाल।
हो रहा है ये सब? कुछ नहीं अम्मा, वो सुमित्या है ना, बहुत भूखी है, पता है उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं बस उसे खीर खिला रही थी। हाँ अम्मा जी, जब आपको पता चलेगा ना कि आपकी लाडली बहू ने क्या किया, आपका सर है ना दीवार पे फोड़ देगी। अम्मा जी ये देखिए नई साड़ी, वो भी दो दो, ये इसको दे रही थी और रसोई में हमारे बर्तन में उसे खाना भी खिला रही थी। हाँ हाँ देखिए, काहे नहीं, मुफ्त के माल पे मोह कैसा, मैके से थोड़ी ना लाई है, लुटा दे चाहे गंगा में बहा दे। ये सब क्या सुन रहे हैं बहू? अम्मा जी उसे भूख लगी थी ना इसीलिए। अरे भूख लगी थी तो नेम धर्म सब ताक पे रख दोगी? हमें नहीं मालूम था। तो कम से कम बड़ी जेठानियों से पूछ लेना चाहिए था। बहू ये साड़ी तू रख, सुमतिया के लिए मैं दूसरी साड़ी निकाल देती। नहीं नहीं मालकिन, हमको साड़ी नहीं चाहिए, हम जैसे भी हैं ठीक है, वैसे भी ऊपर वाला सबकी किस्मत पहले ही लिख देता है, हमारी किस्मत में तो सिर्फ दुख और तकलीफ ही लिखा है, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं। आपसे विनती करते हैं छोटकी दुल्हन को कुछ मत कहिएगा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो हमारा दुख देख के उनको दया आ गया। छोटकी दुल्हन का मन बहुत साफ है, भगवान करे ऐसा मन सबका हो। अरे अपना खाना तो साथ में लेकर जाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। बहू तू जा अपने कमरे में। बड़ी बहू तुमको समझ उमझ है कि नहीं, सुमतिया के सामने छोटी बहू पे हाथ उठा रही थी। अम्मा जी आपको तो बस हम ही लोगों का गलती दिखता है, आपकी जो लाडली बहू है जो गलतियां करती है तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। छोटी बहू ने ऐसा कुछ नहीं किया था, अरे किसी भूखे को खाना ही पूछा था ना उसने, उसमें तुम लोग बात का पतंगड़ बनाने लगे, जरा सोचा है तुम लोगों ने? सुमतिया गांव भर में जाके बोलेगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे घर की? अम्मा जी हमारे घर के काम करने वाली को सर पे बिठाना, क्या हमारी जग ऐसा ही नहीं होगी? लेकिन बहू अभी वो नई नई है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी, और तुम लोग बड़ी हो, शांति से समझाओगी तो समझेगी वो, फिर तुम दोनों जैसी समझदार हो जाएगी। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? क्या पता, एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी घेर लेती है। हाँ जी पता नहीं कैसी किस्मत है हमारी, सर से कर्ज का बोझ उतरता ही नहीं, सोचा था बेटी का ब्याह करके चैन की सांस लेंगे, पर बैठे बैठाए हकीम जी का उधार सर पर चढ़ गया, वो भी 1.5 लाख का। अरे कर्ज नहीं तुलसी की माँ, अरे उनकी अमानत है हमारे पास जो हमें लौटानी है, और फिर अरे गलती भी तो हमारी है। लेकिन जी हम इतने सारे पैसे कैसे लौटाएंगे? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कोऑपरेटिव का केस फाइनल नहीं हुआ, वरना पैसे का सारा काम बन जाता। और उस पैसे के भरोसे बैठे भी तो नहीं रह सकते, उस सेठ के पैसे भी तो लौटाने हैं। अब देखो भगवान की क्या मर्जी है, अब शादी में तो हम पुश्तैनी जमीन बेचने से बच गए, अरे नाक भी बच गई, अब ये नाक कब तक बची रहेगी कुछ नहीं कह सकते। जी मैं एक बात कहूं, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, ये मत समझिए कि मैं
शेखर और बहू की तरफ से बोल रही हूँ, मगर पुरखों की जमीन बेचना सही नहीं है। अब तुम ही बताओ तुलसी की माँ, मैं क्या करूं? अरे कोई साथ भी तो नहीं है हमारे जिसके सहारे मैं कुछ कर सकूं। बहू बेटे को मौका मिले नहीं कि बस अगर शेखर अपनी LIC से लोन ले ले तब कुछ बात बन सकती। कैसी बातें करते हैं आप, उसने भी तो शादी में खर्च किया, अब उसकी कंपनी में पेड़ तो नहीं लगे हैं ना जहाँ से पैसे तोड़ कर लाएगा बेचारा। मैं मानता हूँ तुलसी की माँ के उसने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अब इस मुश्किल घड़ी में और कौन काम आएगा? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा पॉलिसीज बनाए ताकि उससे ज्यादा उसको कमीशन मिले। अभी वो जवान है तुलसी की माँ, वो ज्यादा काम कर सकता है। अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, कब तक काम करता रहूंगा? अब किसी भी कीमत में हाकिम का पैसा तो देना ही होगा। गहने बैंक में रखवा दिए ना बेटा? हाँ हाँ रखवा दिए। लेकिन एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है कि विनय को भी ऑफिस बुलाने लगे। अरे माँ, विनय ने ऑफिस में आके बहुत अच्छा काम किया है, कमाल कर दिया। अच्छा क्या कमाल किया है मेरे बेटे ने? अरे माँ, इतना लल्लन टॉप नक्शा बनाया है कि पूछो नहीं। सरकार ने फंड जो है ना पहले से ज्यादा बढ़ा दिया इसका नक्शा देखकर। सच भैया? अरे और का, तुमको मालूम ही नहीं है विनय कि तुम इतने बड़े कलाकार हो? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब मेरा बेटा हुनरमंद है। माँ पहले हम समझा करते थे कि ये कागज पे जो चील कौवे बनाता है ये कलर बर्बाद करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही हुनरमंद है अपना भाई। हमारा तो मन करता है कि इसको अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर बना लिया जाए। बहुत अच्छा किया बेटा, आखिर इसकी भी शादी हो गई है, पार्टनर बना लोगे तो काम के लिए इसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अरे पर मां, इसमें पार्टनर बनाने वाली बात कौन सी आई? कंपनी तो घर की है ना भैया? नहीं, कंपनी घर की नहीं अजीत, ये कंपनी हमने अपने बलबूते पे खड़ी की है और हम विनय को उसमें इसलिए ले रहे हैं, विनय बहुत अच्छा नक्शा बनाता है, हमारे बजट में काम करता है और हमें ऐसे ही आदमी की सख्त जरूरत है। वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा देवर जी, 4 दिन ऑफिस जाओगे और बीवी की याद आ जाएगी तब पता चलेगा। अरे नहीं भाभी, ये जोश कायम रहेगा, मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ। बड़े भैया, हमें ना आपसे एक बात पूछनी है। पूछू? हाँ बोलो। अगर रसोई में खाना पड़ा हो और कोई भूखा हो तो उसे खाना देना चाहिए या नहीं? हाँ खिलाना चाहिए, उसमें बुराई का है? किसी के पास बहुत सारे कपड़े हो कि उसे याद ही ना हो कि उसके पास कितने कपड़े, और किसी के पास ढंग का पहनने के लिए एक भी कपड़ा ना हो तो क्या उसे 1-2 कपड़े देना गलत बात है? हाँ, दे देना चाहिए। हाँ लेकिन कोई अपने नए कपड़े तो नहीं देता ना, पुराने कपड़ों से भी दया दिखाई जा सकती है। अब छोड़ो ना बहू। नहीं अम्मा जी, जब बंदूक मेरे ऊपर तने ना तो बचाव तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। पर हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुमने सुमतिया को घर के काम के लिए भेजा था ना, तो छोटी बहू ने उसको खाना दे दिया, उस बात पे हो रहा है। लेकिन मैंने खाने के लिए मना तो नहीं किया था ना अम्मा जी, पूरी बात तो बताओ। बहू जाओ, अब तुम भी खाना खा लो, हम लोगों ने खा लिया है। जी। अगर बहू ने किसी भूखे को खाना दे दिया
तो क्या गुनाह करती है? कौन सी इससे हमारी दौलत कम पड़ गई? मैंने खाना देने के लिए मना नहीं किया था, हमारे घर के बर्तनों में खाना देने के लिए मना किया था। और रही बात कपड़ों की, मैंने मीनू के कपड़े देने से मना कर दिया, ना कि उसके। ए बेटा, तुम इस बात में मत पड़ो, हमने दोनों को समझा दिया है, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुफ्त में इतना मिल गया ना, तो लुटाने में क्या जाता है? अभी अपनी टर टर बंद करो। पार्टनर क्यों? अरे बिना, वो स्केचिंग पेंटिंग जानता है ना, इसीलिए प्लान बनाने के नक्शा बनाने के काम आएगा। तो वो कंपनी पे हम लोगों का कोई हक नहीं रहेगा? मैंने भैया से बात की उस बारे में, तो उनका कहना है कि वो कंपनी वो अपने पैसे से खोल रहे हैं, घर के बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस बिजनेस पे किसी का अधिकार नहीं। ये तो सरासर अन्याय है, एक भाई पार्टनर बनेगा और दूसरा कुछ भी नहीं, ये तो बेईमानी है। तुम चिंता मत करो, बिजनेस करना सिर्फ उनको ही नहीं आता है, मेरे दिमाग में भी आइडियाज आते रहते हैं। एक प्लान है जो कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, यहां तक कि भैया को भी नहीं।